नमस्कार किसान साथियों, प्रतिवर्ष जब भी हम गेहूं की बिजाई करते हैं या फिर आलू की जो बुआई है वो करते हैं, उस समय डीएपी फर्टिलाइज़र की जो किल्लत है वो भारी मात्रा में देखने को मिलती है। इस वर्ष भी ये जो हालात है वो बने हुए हैं। किसान साथियों से एक विनती, पहली तो ये है कि अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ज़्यादा धक्का करके डीएपी लोगे तो हो सकता है कि डुप्लीकेट जो डीएपी है वो आपके खेत के अंदर जो है वो आ जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप देख रहे हो लगातार जो छापे हैं वो पड़ रहे हैं, नकली जो डीएपी है वो किसानों को मिल रही है। डीएपी बिजाई करने के बाद में जब किसान साथी देखते हैं कि हमारा जो गेहूं है वो उग जाता है, तब उसमें जो हल्का पीलापन है वो दिखाई देता है। और आपको पता कि गेहूं के अंदर अगर फॉस्फोरस की कमी आती है, डीएपी की कमी आती है, तो गेहूं जब भी अपना उगाव करता है उस समय हमें साफ साफ जो है वो दिखाई दे देता है। अन्य फसलों के कंपेरिजन अगर बात करें तो किसान बड़ा जल्दी उसे पहचान पाता है। अगर वैसे हम डीएपी लेकर के आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें असली या फिर नकली की जो पहचान है वो किस तरीके से की जा सकती है। किसान साथियों, डीएपी के अलावा आपके पास कुछ एक ऑप्शन है जो कि आप फर्टिलाइज़र अपनी गेहूं की बिजाई में यूज़ कर सकते हो। पहला फर्टिलाइज़र यहाँ पर आता है एनपीके 10-26-26। इसके अंदर 26% में जो फॉस्फोरस है वो मौजूद है। आप एक बैग इसका जो है अपने खेत के अंदर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है एनपीके 12-32-16। इसके अंदर 32% में जो फॉस्फोरस है वो मौजूद है, इसका भी आप एक बैग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो 20-20-0-13। इसके अंदर जो 20% के अंदर जो फॉस्फोरस है वो दी होती है और 13% में जो सल्फर है वो मौजूद है। तीनों ही जो एनपीके काफ़ी बेस्ट रहते हैं। जो भी एनपीके आपको अपने एरिया के अंदर आसानी से मिल जाता है, आप उन्हें ला करके अपने खेत के अंदर जो बुआई है वो कर सकते हो। किसान साथियों, नंबर 2 पर बात आती है, इनमें से कोई सा आप एनपीके यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखें कि या तो आप नैनो डीएपी या फिर नैनो डीएपी मतलब प्राइवेट कंपनियों की भी आ रही है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के यहाँ पर आपको जो लिक्विड फॉस्फोरस है वो मिल जाता है, तो आप उससे जो बीज उपचार है वो अवश्य करें। अगर आप उनसे बीज उपचार करते हो गेहूं का, तो वहाँ पर आपके खेत के अंदर पूर्ण रूप से जो फॉस्फोरस है वो प्लांट को अच्छे तरीके से मिलेगी, आपकी गेहूँ के अंदर जो पीलापन है वो दिखाई नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप नीचे कॉमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।